Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence, and Decision Making. This is module number 157, and we are going to talk about that how can we temper happiness and excitement. Because, like anger, anxiety, the happiness and excitement can also are warning points in the decision making and negotiation process. Absolutely negotiation and decision making दे आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हम डिसीजन मेकिंग के दौरान काउंटर पार्ट को यह तासुर मत दें कि द काउंटर पार्ट इज लूजिंग द गेम बिकॉज हमारी जो एक्साइटमेंट की डेमोन्स्ट्रेशन है वो उसको एक ऐसा रिएक्शन दे सकती है विच इज नॉट डिजायरेबल विच इज नॉट गुड सो हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा अपनी एक्साइटमेंट एंड हैपीनेस के ऊपर भी ताकि द काउंटर पार्ट शुड नॉट बी फील डिफीटेड एनदर इंपोर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टेंड ड्यूरिंग अवर निगोसिएशन हम अपनी एक्साइटमेंट को अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होने ना दें बिकॉज हमारा ओवर कॉन्फिडेंस बाज़ात हमें जीतने के बावजूद भी जीत से दूर वो कर सकता है एंड वी हैव टू भी केयरफुल कि हम किस वकत सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी जीत को और बाजात हमारी जीत किसी ऐसे वकत में सेलिब्रेट हो जाती है कि जिस वकत वो सेलिब्रेशन हमें जीत से दूर ले जाएगी तो वी हैव टू बी केयरफुल हम ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ना हो हम ट्रस्ट को हर्ट ना करें हम इमोशंस को सिर्फ एक इनपुट डाटा के तौर पर पिक करें ताकि वी आर एबल टू फाइंड आउट द राइट आंसर टू द क्वेश्चन आस्ट एनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें सोचने की है वो ये है कि ये सारी नेगोशिएशन इज जस्ट लाइक अ गेम ऑफ पोकर इस्ट लाइक अ गेम ऑफ चेसम वी हैव एन अपोनेंट और उस ओपोनेंट के सिचुएशन के अंदर हमें अपने आप को उतारना है और यह देखना है कि वो कौन कौन से ऑड्स हैं वो कौन कौन से सरकमस्टांसिस हैं वो क्या वजूहत हैं जिनकी बिना पर द ओपोनेंट इज रिएक्टिंग इन ए वे और हम उसको किस तरह से रिएक्ट वो कर सकते हैं इनके इसी के साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारी एक्साइटमेंट हमारी हैप्पीनेस कहीं हमें यह ना दे दे कि वी आर हैविंग एन इंप्रेशन ऑफ सुप्रियोरिटी ओके okay? बिकॉज वो सुप्रियोरिटी के इंप्रेशन के आने से इस कॉम्प्लेक्स के आने से हम ग्राउंड को लूज कर सकते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल वी हैव टू सी कि हम अगर अगले शख्स के साथ निगोशिएट कर रह भी रहे हैं तो उस निगोशिएशन में वी आर नॉट स्नैचिंग द मेजर पाई रादर देन वी आर एक्सपेंडिंग आर पाई टू फाइंड आउट द वे जिससे कि हम अपने बेनिफिट को मटीरियलाइज वो कर सकें देयर फोर वन थिंग वी ऑल्सो हैव टू बियर इन माइंड एंड दैट इज के निगोसिएशन इज अम्यूनिकेशन इट इज बेसिकली इंटरपर्सनल प्रोसेस में दोनों पार्टी होती है और दोनों पार्टी के लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे के व्यू पॉइंट को वो अंडरस्टेंड करें और किसी भी स्टेज के ऊपर हम रिस्पेक्ट और ट्रस्ट को वायलेट वो ना करें एन अदर इंपोर्टेंट थिंग इज के हमें निगोसिएशन के दौरान बड़ा ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि दूसरा शख्स क्या फील कर रहा है उसके डायलॉग कैसे हैं उसका एक्सचेंज ऑफ आइडिया कैसा है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है अबाउट द नेगोशिएशंस एंड द प्रोसेस विच आर गोइंग टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ सम कॉमन गोल सो हमें अगले के तासुरात को वो समझना होगा बिकॉज अन वी आर नॉट ऑब्जर्वेंड उस वक्त तक हम डिसीजन मेकिंग को अप्रोप्रिएट के अंदर नहीं कर पाएंगे, मकसद सिर्फ डिसीजन मेकिंग नहीं है मकसद में रिलेशनशिप को भी रखना है। टू फोकस अप ऑन द रियलिटीज और उन फैक्ट्स एंड रियालिटीज के अंदर याद रखियेगा पीपल है कमिशन अब लाइज ऑफ अब कर रहा है या लाइज ऑफ कमिशन की तरफ वो जा रहा है कहां पर किस हद तक सच है और कहा जा रहा है कॉन्टेक्स ऑफ डीलिंग विद अदर पीपल बिकॉज उनके भी जज्बा और एहसास हैं वो भी उस निगोसिएशन में जीतने के लिए आए हैं एंड वी हैव टू सी कि हम बेटर स्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप एंड बेटर आउटकम ऑफ द डिसीजन मेकिंगशन वो कैसे करें इज याद रखिएगा कि ड्यूरिंग द निगोसिएशन काउंटर पार्ट के जो इमोशंस हैं उनको बड़ा क्लोजली देखें और इस बात को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन उसके बॉडी जेस्टर्स उसकी टोन ऑफ वॉइस वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि व्हाट कैन बी द राइट बार्गेन डियर स्टूडेंट्स अगर हमें सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कि ड्यूरिंग द नेगोशिएशन वी हैव टू बी विजिलेंट एंड एजाइल वी हैव टू सी कि हम क्या फील कर रहे हैं एंड वी हैव टू ऑलो अंडरस्टैंड के दूसरा शख्स क्या फील कर रहा है बिकॉज अन हम दूसरे के साथ उसकी विजिलेंटली ऑपरेट नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा डिसीजन मेकिंग कंप्रोमाइज हो सकता है थैंक यू